We'll be pairing all the expenses for that team. वो उनके साथ हमने एक पार्टिसिपेशन की है. We'll be the partners, lifelong partners for that cricket team. Plus हमने डिसाइड किया है कि हमारा जो ऑफिस है we'll be appointing almost 3 to 4 disabled persons in our office. And जो फील्ड में है जो भी एबल होंगे फील्ड वर्क के लिए उनको भी हम अपॉइंट करेंगे फील्ड के लिए 2-3 जो डिसेबल्ड पर्सन है इंशाल्लाह. थैंक यू. आज का जो इवेंट था 3 दिसंबर आपको पता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है. तो आज हमने भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की थी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ मिलके और हमारे जो इसमें पार्टनर्स है लाइकॉट फार्मास्यूटिकल्स उनके साथ मिलके हमने ये इवेंट आज का जो है यहाँ पे किया था. तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल इवेंट रहा. जैसे कि सब लोग सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और आपकी वजह से 10 लोग और देखेंगे तो एक अवेयरनेस बढ़ेगी. और यहाँ पे जितने सारे डिग्निटीज आए जैसे कुछ लोग लॉ डिपार्टमेंट से थे, कुछ लोग मिनिस्टर से थे, कुछ लोग पुलिस से थे, कुछ लोग एजुकेशन थे, अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया. और स्पेशली एबल्ड जो यहाँ पे पर्सन थे हमारे स्पीकर्स दे ऑल्सो पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑल पीपल हु आर डिग्निटीज हियर. सो होप सो इन फ्यूचर इट विल गिव अस अ गुड रिजल्ट्स एंड वी विल डू दीज सेमिनार्स अगेन एंड अगेन until and unless the society will not get aware about our rights and about our duties. आपको क्या लगता है कि awareness करने से बेहतर कितना होता कि अगर practical light में देखें तो practicality में अगर देखें तो कहीं पे जो माजूर अफराद हैं उनके लिए काम नहीं हो रहा है अगर ग्राउंड की बात. बिल्कुल. देखिए आपने ये क्वेश्चन तब पूछा. यू आर ऑल्सो ए गुड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. यू आर एन इंटेलेक्चुअल. यू रियलाइज दैट देयर इज नथिंग लाइक वर्क फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन ऑन द ग्राउंड लेवल्स. सो मैं आपके साथ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे हुक्मरानों से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से काइंडली शो योर पॉजिटिव वर्क सो दैट. आज हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गाइडेंस एंड नेविगेशन ऑफ आर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बड़गाम. वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. आज का दिन जो है ये इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड सारे जहां में मनाया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए जिन लोगों को डिसेबिलिटी है कोई उनके लिए ताकि उनको एनकरेज करें. और इस साल का जो स्पेशल थीम है वो ये है कि इनको जो एडिशनल जो इन बेचारों को जो सख्ती आई है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से उससे रिलेटेड हम लोग जो हैं हम चाहते हैं कि इनको हम एनकरेज करें, इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, इस सोसाइटी में जो है ये डिग्निफाइड वे में रहें, लोगों में अवेयरनेस करें कि इनको भी पूरा हक है सोसाइटी में डिग्निफाइड वे में रहने का. जितना आपको हक है उतना ही इनको भी है. इन सब की यही एक मेजर ग्रीवियंस है कि इनको लोग उस तरह से नहीं देखते जैसे एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं. तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप इन लोगों को एक्सेप्ट करें एज दे आर. हर डिसेबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल भी होती है. और जो लोग इनको डिसेबल बोलते हैं या डिसेबिलिटी की वजह से तो क्या आपको लगता है कि जो बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स हैं जिनमें आपने ये लिम लगाए हैं तो ये क्या इन पे आप प्रॉपरली काम कर पाते हैं या जो कश्मीर में है कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ ऐसी लिम नहीं बनती है जो इंसान लगा सकता है. अगर आप बाहर की बात कर सकते हैं तो वहाँ लिम हम यहाँ लगा सकते हैं वो बहुत अच्छी होती है. यहाँ एक बाहरी होती है बटन या लिम लगाई CRC में लिम लगाई वो बहुत बाहरी होती है. इससे इंसान को दिखता है तो उसे प्रॉब्लम होती है. जी तो आपको कितना ज्यादा मुश्किल ही ट्रैवल कर पाते हैं आप या कितना ज्यादा मुश्किल होता है कहीं पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको कितना ज्यादा सफर करना है. बहुत प्रॉब्लम होती है. हमको सोसाइटी की तरफ से एक सुकूनी मिली है इससे थोड़ा हमको आसानी भी हुई है. तो क्या आपके कहने का मतलब है जो यहाँ के सियासी सेंटर NGO है वो जो माजूर इंसान होते हैं उनको सही तरीके से हेल्प कर पाते हैं. जी नहीं कर पाते. आपको
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर